लोकसभा में बीजेपी सांसदों की गैर मौजूदगी पर पीएम मोदी ने जताई नाराजगी, अनुपस्थित रहे सांसदों की लिस्ट मांगी। राजनीति को बेदाग करने के लिए एससी का बड़ा कदम, बीजेपी कांग्रेस समेत 8 दलों पर ठोका मुकदमा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी, देश में पिछले 7 दिनों में आए कोरोना के मामलों में आधे से ज्यादा केस केरल से दर्ज। बिगड़ते हालात के बीच भारत ने अफगानिस्तान के मजार शरीफ से राजनयिकों को वापस बुलाने का किया फैसला, कल लौटेंगे राजनयिक। उज्ज्वला योजना 2.0 की पीएम मोदी ने की शुरुआत, प्रवासी मजदूरों को अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी मिल सकेगा गैस कनेक्शन। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। सीएम धामी ने दिल्ली दौरे को लेकर कहा कि कुछ सरकारी कार्य है और प्रदेश के विकास को लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों से उन्हें मुलाकात करनी है, जिसके लिए वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रदेश में कई विकास की योजनाओं को लागू होना है, उन्हीं योजनाओं को और उसमें कैसे तेजी लाई जाए, इन्हीं सब चीजों पर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा की जाएगी। मुझे वहाँ पर जो सरकारी कामकाज है उसके तहत केंद्रीय मंत्रियों से भेंट करनी है, जिसमें हमारे प्रदेश की कुछ योजनाएं जो जल्दी ही लागू होनी है उन्हीं के लिए मैं निवेदन करने वहाँ जा रहा हूँ, जिससे जल्दी से जल्दी उन योजनाओं के लिए यहाँ पर धन आवंटन हो जाए, जो प्रक्रिया चल रही है वो तेज़ी से हो जाए और जल्दी से जल्दी वो धरातल पर। मुझे वहीं लक्सर के दल्लावाला गांव में राजकीय कन्या महाविद्यालय का सीएम पुष्कर सिंह धामी 12 अगस्त को शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम और एसएसपी ने मौके का मुआयना किया। इस दौरान खानपुर विधायक प्रणव सिंह चैंपियन भी वहां मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम होता है वो मोस्ट वीआईपी प्रोग्राम होता है और उसके कुछ निर्धारित नॉर्म्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, इसीलिए हमारे साथ एसएसपी साहब भी हैं और क्षेत्र के माननीय विधायक जी भी हैं, पूरा प्रशासनिक अमला है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं। तो ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो उनके सुरक्षा संबंधित नॉर्म्स हैं, जो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से ही सारे अरेंजमेंट किए जाएँ। और कल शाम को हम लोग एक बार फिर आके यहाँ देखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है, जो टेंटेटिव, वो 12 अगस्त को दोपहर 12:30 के आसपास है और जो भी अग्रिम कोई इसमें जानकारी देनी होगी आप लोग को समय से। वहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर लंबे समय से तीर्थ पुरोहित आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन के बाद प्रदेश सरकार ने हाई पावर कमेटी बनाकर तीर्थ पुरोहितों को भरोसा दिलाया है कि हकधारियों के साथ न्याय होगा और सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब है, हमने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर हम जो है सारे लोगों के विचार सुनकर, हक हकूक धारी हैं, रावल हैं, पंडे हैं, पुरोहित हैं, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या जिनके क्षेत्र में जो चारधाम देवस्थानम की उसमें आते हैं, परिधि में आते हैं, उन सब की बात सुनेंगे। उनकी बात सुनने के बाद जो है हमने हाई पावर कमेटी बना दी है और हाई पावर कमेटी उस पर काम करना शुरू कर देगी। सबकी बात सुनने के बाद जिनके जो ग्रीवांसेज हैं, जिनको जो परेशानियाँ अपनी बताएंगे उसका हम हल करेंगे, तब तक जो है बोर्ड का काम जो है हम यथावत। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता शादाब आलम ने पिरान कलियर स्थित रैन बसेरे का दौरा किया, जहां पहुंचने पर रैन बसेरा बंद पाया गया। शादाब आलम का कहना है कि बाहर से जो लोग राहगीर साबित पार्क पर अपनी आस्था को लेकर आते हैं उनको रोकने की कोशिश होती है, जहां पर उनको काफी ज्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। रैन बसेरे काफी दिनों से इसी प्रकार से बंद पड़े हैं। रैन बसेरे के बंद होने की वजह से उसकी स्थिति और भी खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार से अपील की जा रही है कि रैन बसेरे को जल्द से जल्द खोला जाए, जिससे बाहर से आने वाले लोगों को ठहरने में आसानी हो सके। वहीं चमोली में नव नियुक्त जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील चमोली जिले में आपदा नियंत्रण कार्य के अलावा विकास योजनाओं में तेजी लाने की जरूरत है।
जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य सतर्कता और संसाधन के अलावा मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता पर भी ध्यान देने की इस वक्त जरूरत है, जिस पर तेजी के साथ इस वक्त काम किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत चल रहे विकास कार्यों को समय और गुणवत्ता से कराना भी सर्वोच्च प्राथमिकता रहने वाली है। कोविड और लॉकडाउन के कारण कई व्यक्ति हैं जो वापस भी आए हैं और जो स्थानीय भी हैं, तो उनकी आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। तो उसमें जो समस्त रेखीय विभाग हैं उनकी रोजगार परक योजनाएं हैं, आजीविका संबंधित जो परियोजनाएं हैं शासन की और भारत सरकार की, तो उनको कन्वर्जेंस करके मैक्सिमम उसमें लोगों तक लाभ पहुँचे। तो पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना सैनी ने नैनीताल में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान डॉक्टर कल्पना सैनी ने कहा कि गरीब तबके की सहायता करना और उनके अधिकार को दिलाना आयोग का कर्तव्य है, इसलिए अधिकारी संवेदनशील होकर अपने कर्तव्यों का पालन करें। सभी विभागीय अधिकारी अपने विभागों में बैकलॉग रिक्तियां शीघ्र शासन को भेजना सुनिश्चित करें, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। जनमानस यहाँ के उसमें भी एक बड़ा समाज ओबीसी का है, तो ओबीसी आयोग इसके लिए चिंतित था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस समाज के लोगों को वंचित किया जाएगा। उसके लिए समीक्षा की, भविष्य में तीसरी लहर के को लेकर जानकारी ली, जाति प्रमाण पत्र को लेकर के अगर प्रशासन के सामने कोई परेशानी आ रही है वो भी हमें बताए, उसको भी हम समाधान का प्रयास करेंगे। और जो जनमानस को यहाँ की समस्याएं आ रही हैं उनसे विभागों को अवगत कराया, तो उन्होंने भी ये आश्वासन दिया कि उस समस्या को भविष्य में। हाईकोर्ट के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी के सचिव और सिविल जज अशोक कुमार सैनी ने आशा किरण सेवाश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम योक्ता मिश्रा भी उनके साथ मौजूद रही। निरीक्षण के दौरान संस्था के संचालक विशन लाल शाह उपस्थित नहीं थे, जिसकी वजह से उनसे मोबाइल फोन पर ही जानकारी ली गई। आपको बता दें कि मौजूदा समय में आश्रम में 4 वृद्ध पुरुष और 4 वृद्ध महिलाओं सहित कुल 8 लोग रह रहे हैं। जज अशोक कुमार ने कहा कि सब कानून के दायरे में रहकर काम होगा तो सरकारी मदद भी दी जाएगी। आशा किरण सेवा आश्रम यहाँ नरेंद्र नगर में संचालित हो रहा है और हम यहाँ ये देखने आए हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं, जो आश्रम में निवास कर रहे हैं, उनकी कोविड की स्थिति क्या है और उनका वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है और उनकी रहने सहने की क्या व्यवस्था है। तो यहाँ के मैनेजर साहब आज नहीं मिले हैं, देहरादून में हैं, उनसे कल बात होगी। बाकी इसको अच्छे से चलाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं उसको और हम इसका विजिट करने आए। विकास नगर ब्रिगेड के संस्थापक दिवंगत भंडारी के नेतृत्व में ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। सीएम को दिए गए ज्ञापन में चक्राता के आरक्षण बंद के मामले पर विचार करने को कहा गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि चक्राता क्षेत्र को आरक्षित सूची से हटाया जाए। दिगंबर भंडारी का कहना है कि सन 1967 से जब उत्तराखंड राज्य बना ही नहीं था तब से चक्राता क्षेत्र के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है जो उस समय के परिस्थिति के अनुकूल था, लेकिन अब इसे हटाने की जरूरत है। हम जोनसार के लोगों के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, पर हम जोनसार के आरक्षण एवं उससे उत्पन्न हुई जोनसारवाद के खिलाफ जरूर है। वर्ष 1967 से जोनसार क्षेत्र को आरक्षण दिया जा रहा है, उस समय परिस्थिति अनुकूल थी, परंतु अब कैसी क्या मजबूरी आ गई कि आरक्षण निरंतर चल रहा है। इसका सिर्फ एक ही कारण है और वो है राजनीतिक वोट बैंक। इस वोट बैंक के चलते विकास नगर समेत पशुपतून के तमाम युवाओं का जीवन और उनका भविष्य अंधकारमय होता जा। चमोली जिले के थराली तहसील इलाके के बूढ़ा डाग गांव में पहाड़ का बड़ा टुकड़ा गिरने से अफरा तफरी मच गई। पहाड़ टूटने से पिंडर नदी का बहाव बंद हो गया और नदी का पानी गांव की तरफ आने लगा, जिससे घबराकर लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। उपजिलाधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर वो तहसीलदार और अन्य राजस्व कर्मियों के साथ बूढ़ा डांग गांव पहुंचे गए, जहां पर निरीक्षण करने के साथ ही एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है।
जो कल रात का जो बरसात के मौसम में जो ऊपर हमारा सुनाव और पेनगढ़ के मोटर मार्ग जो टूटा उसे भयंकर रात को वो अपना बाढ़ घोषित हुआ है। पानी फसलें बर्बाद हुई है। गांव में सभी लोग जो है अपने घरों को छोड़कर रोड़ों में गए हुए हैं। उसके बाद आसपास के गांव के लोग भी आए हैं देखने के लिए। हमारे गांव के प्रधान और अधिकारी लोग भी आए हैं। उन्होंने मुआवजा किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि वह देखेंगे उसके बारे में। और जब पानी थोड़ा निकल गया उसके बाद वो लोग निकल गए अपने अपने के लिए कि भाई देखेंगे कल के उसमें प्रशासन के लिए। अभी तक कोई उसका मैसेज हमको मिला नहीं है। यहाँ पर जो ये गांव है हमारा बुराडांग, ये कुछारी ग्राम सभा के अंतर्गत एक तोप है और यहाँ पर पहले से ही बरसात का मौसम में खतरा बना रहता है क्योंकि नदी बिल्कुल नज़दीक है और कई बार शासन प्रशासन को कहा जाता है कि यहाँ पर चेक डैम का कार्य किया जाए लेकिन बहुत कम मात्रा में यहाँ पर किया जाता है और कभी भी वो पूरा नहीं हो पाता है। जैसे जैसे ये सुनाऊ पेनगढ़ जो ये मोटर मार्ग बना यहाँ पर तब से यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही खतरा हो गया है और उसके बाद ये पहाड़ लगातार टूट रहा है और उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है नदी गांव की तरफ को ज़्यादा बढ़ रही है। आज हम जनपद चमोली के पिंडर घाटी के तहसील थराली में हैं प्राइम टीवी के लिए। आज हम थराली तहसील के कुलसारी बूढ़ा डांग गाँव के बिल्कुल पिंडर नदी के किनारे पर हैं और यहाँ पर जो कल देर शाम को ये सामने जो पहाड़ है वो पहाड़ यहाँ टूटता है और यहाँ की जो पिंडर नदी है उसको बिल्कुल चौक करती है और यहाँ पे झील बननी शुरू होती है और जैसे ही झील बनती है यहाँ के ग्रामीणों में दहशत शुरू होती है और ये वो प्रशासन को भी वो सूचना देते हैं। शासन प्रशासन भी यहाँ पे आता है लेकिन रात होने के कारण वो भी क्या कर सकते थे, लोग भी क्या कर सकते थे। लेकिन गनीमत ये है कि बारिश नहीं थी और जिससे पिंडर नदी का बहाव ज़्यादा नहीं था इसलिए गांव को ज़्यादा खतरा नहीं हुआ और पानी के अंततः निकासी इस जहाँ पे हम खड़े हैं उस जगह से निकासी होगी। वरना अगर ये झील में तब्दील होती तो गांव के लिए भी खतरा हो सकता था। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीणों की जो कई सालों पुरानी मांग है कि यहाँ पे जो नदी तट है वहाँ पे सुरक्षा दीवारें बनाई जाए, चेक डैम बनाई जाए, तो आज शासन प्रशासन से वो लोग यही करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द सुरक्षा दीवारें बनाई जाए। तो प्राइम टीवी के लिए चमोली से सुरेंद्र हत्रा की रिपोर्ट। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोता घाटी के पास भारी चट्टान गिरने से सड़क पर भारी बोल्डर आ गए जिससे इस रूट पर सुबह 7 बजे से वाहनों का आवागमन को रोक दिया गया। आपको बता दें कि सड़क पर भारी चट्टान गिरने और मलबा जमा होने की सूचना पाते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस के ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी को तत्काल मलबा हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए। मौके पर पहुंची टीम मलबा हटाने में लगातार जुटी हुई है। आज सुबह तोता घाटी में मलबा आने की वजह से रास्ते को बंद करना पड़ा। इसके लिए ट्रैफिक को मलेथा से डाइवर्ट करा गया सो दैट कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि एक दो हफ्ते पहले भी वहाँ पर दुर्घटना घटी थी। तो जब तक पूरा रास्ता कार्यदायी संस्था द्वारा क्लियर नहीं कर दिया जाता और यात्रियों के लिए सेफ नहीं हो जाता उसको बंद रखा गया है। इसके लिए नीचे से आपको चंबा और टिहरी होते हुए ही लोगों को भेजा जा रहा है। जो रास्ते में लोग थे उनको गजा के माध्यम से निकाला गया, बाकी रेगुलर ट्रैफिक है उसको मलेथा से। सर कब तक खुलने की उम्मीद है रास्ते? आज शाम तक। वहीं टोल प्लाजा पर टोल वसूलने के नाम पर टोल कर्मी लूट मचा रहे हैं। टोल प्लाजा बहादुराबाद को लेकर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि टोल पर जो रसीद दी जाती है उस पर कोई पता नहीं लिखा होता है जबकि अन्य टोल प्लाजा पर मिलने वाली रसीदों पर नाम, पता और समय सब लिखा होता है। लोगों का आरोप है कि इस फर्जीवाड़े के जरिए टोल कर्मी सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। प्रशासन को इस मामले में तत्काल जांच करते हुए कार्रवाई के मांग की गई है और साथ ही कहा गया है कि इस पूरे मामले पर तत्काल कार्यवाही की जाए। भगवानपुर के रायपुर में स्थित फ्लेक्सी रोल सुपर शाइन फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने से सुपर फैक्ट्री जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब आग लगी तो उस वक्त फैक्ट्री में कर्मचारी कार्य कर रहे थे लेकिन आग लगने के बाद सभी सुरक्षित बाहर निकल गए और आग बुझाने की कोशिश भी जुट गए लेकिन आग इतनी फैल चुकी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल था। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूरों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मजदूर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के आह्वान पर चमोली के भारत सिंह चौक पर कई मजदूर संगठन समेत इप्टा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। मजदूर अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है।
जो सरकार मोदी की सरकार राज्य सरकार एवं केंद्र में बैठी जो सरकार है वो निरंतर मजदूरों पे कुठाराघात कर रही है और जो सरकारी बड़े प्रतिष्ठान हैं रेलवे है और निगम है टेलीफोन एक्सचेंज है इन सब का निजीकरण किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में जाने से तमाम श्रमिकों के साथ छटनी हो रही है और जो वर्ग लाखों की लाख संख्या में इस देश के अंदर अपनी रोजी रोटी चला रहा था वो इस नीति के तहत जो मोदी सरकार की नीति के तहत उनको बेरोज। वही रामनगर स्थित नई कचहरी के सामने आनंदा अस्पताल में दबंगों ने जमकर तोड़फोड़ की। अस्पताल के मालिक का कहना है कि मैंने करीब 2 महीने पहले शाह आलम जो देहरादून का रहने वाला बताया जा रहा है उससे करीब 10 लाख का मेडिकल उपकरण खरीदे थे जिसका कुछ बकाया था जिसे देने के लिए भी तैयार था लेकिन शाह आलम और उसके भाई ने आकर कार्यालय में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी। मामले की सूचना पुलिस को तत्काल दी गई जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं यहाँ पर ओनर हूँ, यहाँ पर मैं मालिक हूँ। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, 10-15 लोग हैं देहरादून के रहने वाले हैं, इन्होंने पहले भी मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी। मैं इनको 5.5 लाख रुपए एक दे चुका हूँ, 2,90,000 एक दे चुका हूँ। मेरे पास जो प्रूफ था इन्होंने मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी वो इन्हीं के पास है। मेरी इनके पास गाड़ी खड़ी हुई थी, मैं वहाँ से पैसे उठा के लेके गया और इनसे गाड़ी लेके आया, वो भी सबूत है मेरे पास। और इन्होंने यहाँ पर मुझे किडनैप करने की और इसी के साथ पहाड़ समाचार में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।